घोड़ा गाड़ी में चढ़ना था, हम आज तक नहीं चढ़े हैं घोड़ा गाड़ी में। यहाँ से लेफ्ट करो, अब खाली लेफ्ट है, उसके बाद भी लेफ्ट ही है। गाइज हम हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है फिलोमेन्स चर्च, जो कि मैसूर का बहुत फेमस चर्च में से एक है। हम पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है फिलोमेन्स चर्च। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि ये चर्च कैसा है, क्योंकि गाइज ये चर्च में बताया जाता है कि यहाँ पे अमर अकबर एंथोनी जो मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी जो है, वो यहाँ पे शूट किया गया था। तो गाइज इससे पहले जो है मैं मैसूर आ चुकी हूँ, बट लॉकडाउन से पहले आई थी। अभी मैं लॉकडाउन के बाद आई हूँ, अब पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे लोग वहाँ पे है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। तो मैं आपको जो हूँ ये चर्च का पूरा बाहर से दिखाती हूँ कि ये चर्च कितना सुंदर है, और यहाँ जो भी मैसूर आते हैं वो इस चर्च में आते ही आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, सो हम लोग जो है आपको पहले ये चर्च बाहर से दिखाते हैं, उसके बाद आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। इस चर्च में आने का किसी भी तरह का एंट्री फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हो जैसे नॉर्मल चर्च में जाते हैं वैसे आप आ सकते हो। आप चाहोगे तो यहाँ पे पार्किंग भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने बाहर किया तो किसी भी तरह का पार्किंग चार्जेस भी नहीं लिया गया है। वैसे आप इसके ग्राउंड में भी पार्किंग है, बट हमें उतना पता नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने बाहर कर लिया। सो गाइस हम लोगों ने बाहर में बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवा लिया है, अब हम जा रहे हैं अंदर। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ अंदर और दिखाती हूँ अंदर से ये चर्च कैसा है। मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ तो मुझे पता है ये चर्च बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट कोई नहीं, फिर भी बट आप लोगों को फिर से लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। सो गाइस ये चर्च बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा चर्च है ये। तो जो भी आते हैं मैसूर वो उनके लिस्ट में ये चर्च होता ही होता है। तो ये चर्च से बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ दोनों साइड आपको मैरी एंड जीसस का फ़ोटो देखने को मिलेगा, और वो रहे हमारे पापा फ़ोटो क्लिक करवाते हुए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी श्वेता। तो गाइस हम आ गए हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है चर्च। तो ये चर्च काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी अमर अकबर एंथोनी की शूटिंग हुई थी, इसलिए भी ये चर्च काफ़ी फेमस है। तो हमने जो है अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन कवर कर लिया है। तो चलिए आपको अंदर लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। वैसे अंदर में किसी भी तरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, मैं ट्राई करूँगी, अगर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो कोई नहीं। अगर आप मैसूर आने का प्लान कर रहे हो तो ये चर्च अपने लिस्ट में ज़रूर रखो, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। और प्लस ब्लॉकबस्टर मूवी अमर अकबर एंथोनी की शूटिंग भी हुई थी, इसलिए भी ये चर्च ज़्यादा फेमस है। बट चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अंदर। सो अंदर में किसी भी तरह का फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी नहीं अलाउ है, तो मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगी। तो पहले चलिए यहाँ पे आपको जो है अपने जूते उतारने होते हैं। तो गाइज़ ये अभी हम लोग यहाँ से निकल के आए हैं। तो ये चर्च के अंदर से ग्राउंड की तरफ जाना होता है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ये आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं, ये एरिया को सिमेट्रिक बोलते हैं। और ये रहा बाहर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से जो बाहर में ही आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवा सकते हैं। अंदर जो है किसी भी तरह का फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं अलाउड है, तो इसलिए भी जो है मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। छोटा सा क्लिप मैंने बस आप लोगों के लिए रखा कि जो नहीं आए हैं वो तो यहाँ आओ ही आओ, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए छोटा सा क्लिप बस डाला है। और ये पूरा ऊपर में पूरा इनका एरिया ऐसा है कुछ। हाँ, अब सो हे गाइस, मैंने आपको जो है ये चर्च, मैसूर का चर्च जो है मैंने वो आपको घुमा दिया, बट अंदर किसी भी तरह का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। बस छोटे छोटे आप लोगों के लिए दिखाया, जो नहीं आए हो वो ये प्लेस विजिट करो। तो गाइज़ अभी हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइज़ आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ के बाद आपको मेरा पूरा मैसूर का सीरीज़ देखने को मिलेगा, तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो प्लेस मैं आपको दिखाऊंगी। और एक में मैं सारा कोलैब करके दिखाऊंगी, ताकि आप जो है अगर आना चाहते हो तो उस वीडियो का भी हेल्प ले सकते हो। और नहीं अगर आप पर्सनली इस जगह को जाना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं ये प्लेस जो हूँ आप सबको रिकमेंड करूँगी। तो जो अभी तक नहीं आए हो वो आओ, और जो आ चुके हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइज़ चलिए आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।